क्या आपको पता है कि अगर आप फ्री फायर गेम खेलेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फ्री फायर इज बैक, फ्री फायर वापस आ गया है। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि फ्री फायर जो है वो ऑन बैन हो गया है, यानी फ्री फायर काम कर रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्री फायर काम नहीं कर रहा है। फ्री फायर बैन हो गया है, प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से फ्री फायर को हटा दिया गया है। अगर मैं सच बोलूं और एक लाइन में बोलूं तो वो सारे लोग सही बोल रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या कंफ्यूजन है, जबकि अलग अलग आंसर है। फ्री फायर बैन हो गया है, कोई बोल रहा है फ्री फायर बैन नहीं हुआ है, कुछ लोग बोल रहे फ्री फायर काम नहीं कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे फ्री फायर काम कर रहा है। ये क्या फंडा है भाई? देखिए, फ्री फायर जो है वो बैन हो गया है, यानी प्ले स्टोर से, गूगल के प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से फ्री फायर को हटा दिया गया है। और बात रही कि जो लोग बोल रहे हैं कि फ्री फायर काम कर रहा है, यानी वापस आ गया है, ऑन बैन हो गया है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वो लोग गेम खेल रहे हैं, तभी तो उन्हें लग रहा है कि फ्री फायर जो है वो वापस आ गया है, यानी ऑन बैन हो गया है। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे थे कि फ्री फायर काम नहीं कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, फ्री फायर जब बैन हुआ था तो उस टाइम कुछ सर्वर में, यानी फ्री फायर का जो सर्वर है उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, सर्वर जो है वो डाउन हो गया होगा, इसी वजह से फ्री फायर काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। ये कब की बात है? जब फ्री फायर को बैन कर दिया गया था, यानी प्ले स्टोर से हटा दिया गया था और एप्पल के ऐप स्टोर से भी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि फ्री फायर जो है वो बैन हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब बैन हो गया है तो लोग खेल कैसे रहे हैं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको फ्री फायर का गेम प्ले दिखाऊंगा और उसके बाद बात करेंगे कि फ्री फायर जो है वो वापस आ सकता है या नहीं। तो चलिए पहले हम फ्री फायर का गेम प्ले देख लेते हैं, आइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डेट दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, सैटरडे 19 फेब को ये रिकॉर्ड हुआ था। दोस्तों, ये जो गेम रिकॉर्ड हुआ था वो 14 मिनट का था, तो मैंने सोचा कि पहले स्टार्टिंग का सीन इंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गेम प्ले कर देंगे, क्योंकि गेम प्ले का पूरा वीडियो डालेंगे, यानी 14 मिनट का डालेंगे, तो ऐसे में तो आपका वक्त बहुत जाया हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो ना डालकर इस गेम प्ले का एक छोटा सा क्लिप बना दिया, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये गेम प्रॉपर वे में काम कर रहा है। जो लोग इंस्टॉल कर चुके हैं पहले से, जो बहुत पहले से खेल रहे हैं, वो आराम से खेल पाएंगे, क्योंकि इस गेम को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से सिर्फ हटा दिया गया है। यानी इंडिया में जो बैन है वो सिर्फ प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से, यानी दोनों मार्केट जो है वो मार्केट से हटा दिया है, ताकि लोग जो है इसे इंस्टॉल ना कर पाए। लेकिन फ्री फायर का जो सर्वर है वो अभी भी चालू है, यानी एक्टिव है, जिसके वजह से लोग गेम खेल पा रहे हैं। इस वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि ये गेम खेलना लीगल है या नहीं है, क्या इससे कोई सजा मिल सकती है, कानून हमें कोई सजा दे सकता है, तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए अब हम बात करते हैं कि फ्री फायर जो गेम है वो वापस आ सकता है या नहीं। देखिए, फ्री फायर जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है और कोई भी कंपनी अपना नुकसान कभी नहीं चाहती है। क्या आप अपना नुकसान कभी चाहते हैं? मान लीजिए कंपनी 1 करोड़ रुपए कमाती है और उसे 40 लाख रुपए का लॉस हो, क्या वो कंपनी सहेगी? हरगिज नहीं सहेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगा, इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि फ्री फायर वापस आ सकता है। लेकिन आएगा कैसे? तो फ्री फायर कंपनी जो है वो दिमाग लगा के उसी गेम को एक नया नाम देकर लॉन्च कर सकती है। हालांकि कई ऐसे एप्लीकेशंस रीलॉन्च हो चुके हैं प्ले स्टोर पे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्री फायर जो है वो वापस आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या फ्री फायर अगर हम खेलते हैं तो क्या हमें जेल हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि साइबर लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी चीज अगर बैन है तो वो चीज आप नहीं कर सकते हैं। जैसे फ्री फायर बैन है, अगर आप खेलते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कोई सजा दी जा सकती है और सजा में जेल भी हो सकती है। इसलिए जो चीज बैन है उसे यूज ना करें। सरकार जो भी निर्णय लेती है वो हमारे फायदे के लिए ही होता है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो चाइना के पास चला जाएगा, वो लोग किस तरीके से यूज करेंगे कोई आइडिया नहीं है। आपके जो पर्सनल डेटा है उसके साथ कैसा यूज करेंगे, डेटा को बेच देंगे, उसका मिस यूज करेंगे, इसका कोई आइडिया नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आपके फोटो का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लाइक आपके फोटो को एक गंदी एड में दिखाया जा सकता है। इसलिए जो चीज बैन है उसे बैन ही रहने दें, कहीं से कोई भी एपीके वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और आपने ये जो गेम प्ले देखा ये मेरा नहीं था, आप जैसे व्यूअर में से ही किसी एक का था, मैंने उनसे मंगवाया है ताकि मैं आप लोगों को एक सही जानकारी दे सकूं। आप शायद यकीन नहीं करते, इसलिए मैंने ये गेम प्ले दिखाया कि अभी जिन लोगों के पास फ्री फायर पहले से इंस्टॉल है वो लोग खेल पा रहे होंगे, तो इसी चीज को दिखाने के लिए मैंने ये गेम प्ले दिखाया आपको। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।